ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम सिर्फ डिफ़िकल्ट सवालों के तरफ जो है देखेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है कुछ आपको जो है इसमें से सवाल खुद ही मतलब कि अभी समझ में आ जाएंगे, आप खुद कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आते हैं 47 नंबर के सवाल पर। क्या बोला है कि ऋषि की माँ मरिया के पिता की इकलौती बेटी है। देखो सबसे पहले जो है नाम हमको दिया है ऋषि के बारे में, तो ऋषि की जो माँ है वो मरिया के पिता की इकलौती बेटी है। जब ये इस तरीके से लाइन जाती है लंबी, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि बात किसके बारे में हो रही है, उसको हम पहले लिखेंगे। ऋषि, ऋषि ऋषि की माँ, तो ऋषि की माँ के बारे में हमको बताया जा रहा है कि ऋषि की जो माँ है वह मरिया के पिता की इकलौती बेटी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इनके बारे में बात करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है, और घुमाने के बाद में इसने क्या कहा कि ये जो है ये मरिया के पिता की इकलौती बेटी है। देखो मरिया नाम की कोई लड़की है, मरिया के पिता, ठीक है, मरिया के पिता की इकलौती बेटी है ऐसा उन्होंने कहा है। देखो यहाँ पर जब हम इस वाक्य को बोलते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि मरिया के पिता की इकलौती बेटी, तो जब इकलौती बेटी के तरह हम देखते हैं तो हमको वापस नीचे आना पड़ता है। नीचे आने के बाद में हमको एक चीज़ पता चल रही है कि यही के यही पे क्या है, ये घूम रहा है ये सेंटेंस, है ना, ये चीज़ सबसे पहले समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से ये भी चीज़ पता चल गई कि ये जो औरत है ये क्या है, इनकी बेटी है, और इनकी बेटी कौन है, मरिया है, तो इसका मतलब इनका नाम क्या है, मरिया है। तो यहाँ से जो है हमको ये पता चल गया कि यही मरिया है, और ये किसकी माँ है, ऋषि की माँ है। अब यहाँ पर आते हैं सवाल पर, मरिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है। देखो मरिया के पति बोला है, अब ये तो पिता था, अब इनका जो पति है मरिया का, इनमें और इनमें संबंध पूछा है, तो हमको देखना किसके नज़र से है, पहले ये देखते हैं कि मरिया के पति और ऋषि में क्या रिश्ता है। तो देखो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपको इनके बीच का रिश्ता बताना है। तो रिश्ता क्या लग रहा है आपको, यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये अगर माँ है मरिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पिता हो जाएंगे, किसके पिता हो जाएंगे, ऋषि के। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में पिताजी है क्या, पिता है, अगर बेटा होता तो बेटा हो सकता था, या पिता है तो पिता रहेगा आंसर, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, पिता रहेगा। चलिए अब चलते हैं 51 नंबर के सवाल पर। क्या बोला है, अजय कहता है वह महिला, देखो अजय अब इस वाक्य में क्या दिख रहा है कि किसी के तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, तो आपको इमेजिन करना है, वैसे वह महिला मेरी माँ की इकलौती ननद के पुत्र की दादी है। देखो उसने पहले तो एक महिला के तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह महिला मेरी माँ की, जब वो अपनी बात कर रहा है यहाँ पर, तो उसको हम पहले लिखेंगे अजय। जब उसने कहा कि वह महिला मेरी माँ की, तो मैं पहले अपने माँ को जो है यहाँ पर लिखूँगा। इसके बाद में माँ की एकमात्र ननद, एकमात्र ननद, अब देखो ननद कौन होता है, ननद तो वो होती है जो भाई की बहन होती है, मतलब सॉरी, अब इनके लिए तो जो है इनके क्या रहेंगे, वो हस्बैंड हो जाएंगे, है ना, इनके पति हो जाएंगे। अब जो पति की बहन होगी, सॉरी, उसको
सबसे अच्छा शब्द यही रहेगा, पति की बहन। ठीक है, तो पति की जो बहन है, ठीक है, वो हो गई ननद। ननद किसके लिए हो गई है? ये इनके लिए, तो मैंने ननद लिखा। ये जो है ये इनके पति की बहन है। ठीक है, अब इसके बाद में इनके लिए बहन है लेकिन इनके लिए ये ननद है। अब उसके बाद में क्या बोला है, ननद के पुत्र की दादी। ननद के पुत्र की दादी, तो इनका जो पुत्र है इनकी दादी। अब इन इसके लिए दादी कौन होंगी? इसके पिता की मम्मी। तो इसके पिता जो है इनके पति, ठीक है, इनकी जो माँ रहेगी वो इसके लिए दादी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको पूछा क्या है वो देखते हैं सवाल में। इतना हमने यहाँ पर बना लिया, दादी है ऐसा बोला है। वह महिला जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है वो। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हमको यहाँ से सीधा सा जो है अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो है आपको दो अलग वंश दिख रहे हैं, ये अलग हो गए, ये अलग वंश के हो जाएंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर जो है अब हमको पूछा क्या है देखते हैं सवाल में। सवाल में पूछा क्या है कि यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, देखिए अजय के पिता का एक भाई है ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला है, और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पर अजय के जो पिता है उनका एक भाई है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनके बारे में तो ये तो बोला नहीं है कि ये भाई है करके, ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ, बस इतना कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है दिया है कि भाई है करके, अब उस पर नहीं जाते। जब आपको सवाल पे नज़र देखते तो उसमें क्या लिखा है कि तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है। जब आपको ये डायग्राम मिल गई है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है देखने की कोशिश करते हैं, वह महिला, ये महिला, इनके बारे में बात हो रही है, अजय से किस प्रकार संबंधित। हमको इनकी तरफ देखना है कि ये कौन है ये महिला। देखो मैंने हमेशा आपको सवाल में बताया है कि आपको अगर सवाल में नहीं समझ में आ रहा कि किसके बारे में किसका रिश्ता बताना है तो कौन से सवाल करना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि वह महिला कौन है, तो कौन है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब देखिए याद रखना है कि ये क्या हो गए हैं, पति के जो बहन के जो पति रहेंगे ये हो गए फूफा, है ना। तो याद रखना है कि जो फूफा की माँ रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो दादी रहेंगी हमेशा। दादा या दादी ही आपको बोलना है, दादी या दादा ही कहेंगे, ठीक है, हमारे लिए। तो हमारे लिए आप खुद को रख के देखिए, तो याद रखना है कि जो भी फूफा की माँ या पिता रहेंगे वो क्या रहेंगे, दादी, वो हमारे लिए दादा दादा दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अगर मैं अपने आप को रख कर देखता हूँ तो ये क्या दिख रहे हैं मेरे को, फूफा की माँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दादी। तो ये अजय के लिए भी क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएगी। तो यहाँ से जो है इनका आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं 53 नंबर के सवाल पर। क्या कहा है कि दिव्या कहती है, फिर से यहाँ पर दिव्या किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि वह महिला मेरे पति की बहन के। जब उसने मेरे पति के बहन के कहा तो आपको सबसे पहले दिव्या को बना लेना है। तो ये होगी दिव्या, दिव्या के पति, उनकी बहन, अब तक तो सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। वह महिला मेरे पति की बहन के एकमात्र सहोदर। देखो एकमात्र सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, तो एकमात्र सहोदर यानी कि एक ही भाई है इसको, तो वापस आना पड़ेगा रिवर्स, ये इधर ही आ गई, ठीक है। अब घुमा दिया था थोड़ा सा सवाल। एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है, पुत्र, अब इसके पुत्र की
वो क्या है, दादी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इनका जो पुत्र है वो लिखेंगे, और इसकी जो दादी रहेंगी वो कौन रहेंगी, इनकी माँ रहेंगी, इनके लिए तो माँ हो जाएंगी ना, तो इनकी जो माँ रहेंगी वो इसके लिए दादी हो जाएंगी। वह है बोला है, मतलब कि ये वो महिला है, इनके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। देखो जो भी शुरुआत में जिसके बारे में बात होंगी ना, वो जहाँ पर ये हमारी डायग्राम ख़त्म होंगी वहाँ पर जब हम रुकेंगे तो वही इंसान जो है, ये वही इंसान होगा जिसके बारे में शुरुआत में इशारा करते हुए वह कह रहे थे, ये वाक्य कहना शुरू होता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कहना चालू किया था एक महिला के बारे में और डायग्राम यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो यानी कि ये वो महिला है। अब यहाँ पर सवाल पर आते हैं, वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला दिव्या से बोला है, अब देखो ये हो गई पति की माँ, दिव्या के पति की माँ हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, ये इनके लिए सास हो जाएंगी, है ना, दिव्या के लिए तो सास हो जाएंगी ना। और वैसे भी सवाल में उस महिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये महिला की तरफ हम देखेंगे, इसीलिए किसके नज़र से देखेंगे, दिव्या की नज़र से, तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगी, सास। चलिए अब आते हैं 54 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है कि हितेन मिता का परिचय, अपने पुत्र के नाना के एकमात्र पुत्र की एकमात्र बहन की सास के रूप में कराता है। अब देखो यहाँ पर हितेन परिचय करा रहा है, और किसका परिचय करा रहा है, मिता का। तो जो आखिरी इंसान, यानी कि आखिरी में जो इंसान हमको मिलेगा वह कौन रहेगा, वह मिता रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, परिचय हितेन करा रहा है और आखिर में हमको वह इंसान किसके, देखो हमको मिता के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हितेन ने क्या कहा कि हितेन कहता है कि अब परिचय अपने पुत्र के, देखो हितेन का पुत्र, हितेन के पुत्र के नाना, अब हितेन के पुत्र के नाना कौन होंगे, जो इनकी पत्नी रहेंगी, इनकी पत्नी इसके लिए क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। और माँ के जो पिता रहते हैं वह जो है नाना कहलाते हैं, तो ये हो गया नाना इनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, नाना के एकमात्र पुत्र की, एकमात्र पुत्र, अब देखो एकमात्र पुत्र यानी कि इनका भाई हो जाएगा, इनके लिए भाई हो जाएगा, और इनका पुत्र, एक पुत्र, एकमात्र पुत्र की एकमात्र बहन, पुत्र की एकमात्र बहन जब बोला है तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर इसकी ये बहन दिख रही है हमको, है ना, ये भाई बहन हो गए, तो वापिस आएंगे तो ये इसके लिए बहन हो जाएंगी। एकमात्र बहन की सास के रूप में कराता है, एकमात्र बहन की सास, अब देखो इसकी जो सास है यह जो है इसकी माँ हो जाएंगी, है ना, हितेन की माँ हो जाएंगी, हितेन की जो माँ रहेंगी वह इसकी सास हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं, और ये जो है यहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हो जाता है कि सास के रूप में कराता है, यानी कि ये जो सास है ये कौन है, इनका नाम है मीता, इनका नाम मीता है। अब यहाँ पर सवाल में पूछा क्या है देखते, मीता हितेन से किस प्रकार संबंधित है, कौन पूछा है, कौन संबंधित है, मीता, मीता के बारे में पूछ रहा है, यानी कि हमको मीता के तरफ देखना है, किसकी नज़र से देखना है, हितेन की नज़र से। तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से ही दिख रहा है, ये ऊपर में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये क्या है, माँ है, किसकी माँ है, हितेन की माँ, तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर मिल गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, माँ आंसर रहेगा। अब आते हैं 63 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है, सागर की दो बेटियाँ हैं। अब यहाँ पर तीसरे आदमी के बारे में अभी से बातचीत नहीं हो रही,
ठीक है, इसीलिए सीधा चलते हैं कि जो यहाँ पर दिया है वैसे हम डायग्राम बनाते हैं। सागर की दो बेटियाँ हैं, चलिए दो बेटियाँ हैं, उसके बाद में लता और आशा की इकलौती बुआ बेटियाँ हैं, लता और आशा, यहाँ पर नाम भी दिया है तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, लता और आशा, यह जो है सागर की बेटियाँ हैं, आशा की इकलौती बुआ। अब देखो इनकी जो बुआ रहेंगी वो सागर के लिए क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी, सागर की जो बहन रहेंगी वह इनके लिए बुआ हो जाएंगी, है ना। तो लता और आशा की इकलौती बुआ के बेटे, बुआ के बेटे, अब देखो बुआ के बेटे, बुआ के बेटे के दादा, अब देखो जब बुआ के बेटे के दादा हम जब बोलते हैं तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सागर की बहन है इनके जो पति रहेंगे, है ना, इनके जो पिताजी रहेंगे वह जो है इनके लिए दादा हो जाएंगे, इनके लिए, है ना, तो इनके लिए दादा हो गई ये। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दादा अनिकेत है, इनका नाम भी दिया है तो इनका नाम है अनिकेत, अनिकेत है, इतनी चीज़ें जो है आपको दी है, अनिकेत है। अब यहाँ पर सवाल, सागर का अनिकेत की पत्नी से क्या रिश्ता है, अब इनकी पत्नी से बोला है। अब देखो ये हो गए सागर, सागर के बहन के पति की जो मतलब के माँ रहेंगी इनके बारे में हमको पूछा है, सागर का बोला है। तो देखो यहाँ पर रिश्ता सबसे पहले किसका पूछा जा रहा है, तो देखो कौन करके सवाल पूछते हैं, कौन पूछा जा रहा है यहाँ पर, सागर का रिश्ता, किसका रिश्ता पूछा जा रहा है, सागर का रिश्ता पूछा जा रहा है, तो हमको सागर की तरफ देखना है। अब नज़र किसके तरफ से देखना है, अनिकेत की पत्नी, अनिकेत की पत्नी तो जो है इसकी माँ होगी, है ना। तो अब देखो अनिकेत की पत्नी के नज़र से जब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था, अगर यहाँ पर इनके लिए जो फूफा के मतलब के मम्मी पापा होते हैं, फूफा के जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो अगर ये दादा दादी है इसके लिए तो इनके लिए क्या हो जाएंगे, इनके इनके भी क्या हो जाएंगे, मम्मी पापा ही कहलाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है हम इनको क्या कह सकते हैं, इनके नज़र से अगर देखते हैं तो ये होंगे इनके लिए बेटे, है ना, इनके बेटे, तभी तो इनके लिए वो दादा दादी हो गए, इसके पहले भी हमने ये सवाल देखे थे। तो जब इनके नज़र से हम देखते हैं तो ये जो है सागर इनके नज़र से क्या हो जाएगा, बेटा ही कहलाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं दिया है क्या, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में बेटा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बेटा रहेगा। चलिए अब आते हैं 67 नंबर के सवाल पर, अब थोड़े सवाल डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, इसीलिए पहले आप अगर इसके पहले के जितने सवाल है अगर मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में तो अगर वो आप करेंगे तो उसके बाद में आपको थोड़ा आसान लगने लगेंगे। और एक चीज़ कि जब भी आप इस सवाल को देखेंगे पहले तो खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो क्या बोला है, एक 67 नंबर का सवाल, एक फ़ोटो को देखकर एक लड़के ने कहा वो मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो जब इस तरीके से घुमा फिरा के लाइनें आती है ना, तो सबसे पहले धीरे धीरे करके जो है, जो हमारा सबसे मेन जो है जहाँ से शुरुआत करनी है पहले उनके बारे में लिखते, एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने जो है इशारा करते हुए कहा है, तो क्या कहा लड़के ने, ये लड़का, ठीक है, लड़के ने कहा वह मेरे पिताजी की, वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है,
ठीक है। तो पहले एक चीज़ याद रखना है, जिसके तरफ वो इशारा कर रहा है उसको हमने बाजू में रखा है, वो आखिर में पता चलेगा, सस्पेंस रखते उसको, वह मेरे पिताजी के, तो पिता, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि पिताजी की माता जी के, पिताजी की माता, तो माता को भी बनाना पड़ेगा, पिताजी की ये होगी माता। उसके बाद में माता जी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे बोला है। अब देखो इनका इकलौता बेटा जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे ही आना पड़ेगा, और नीचे में क्या दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, है ना, ये तो इकलौते बोला है तो यही रहेंगे, दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे वापस आ गए इनके पास, इकलौते बेटे की पत्नी है, पत्नी है, वो जो इशारा करते हुए ये बता रहा था, ठीक है, ये वो जो है पिताजी की क्या है, पत्नी है बोला है। तो यहाँ पर ये पता चल गया इनका संबंध, ठीक है। ओहो, पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में पूछा क्या, लड़के की बुआ, अब लड़के की बुआ की बात हो रही है, तो लड़के की जो बुआ है यानी कि इसकी बुआ, इसकी क्या होंगी, बहन होंगी, है ना, तो इनकी जो बहन होंगी वो इस लड़के की क्या हो जाएंगी, बुआ, ठीक है। इसके नज़र से देखेंगे तो ये बुआ है। अब यहाँ पर बोला है कि लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है, लड़की से क्या रिश्ता, यहाँ पर अब देखो कोई और लड़की है क्या, तो यहाँ पर इनकी माता जी है, वो माता जी को तो लड़की बोलेगा नहीं, तो ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि इनके बारे में बात हो रही है। सवाल में यही है कन्फ्यूजन कि पूछा क्या है, लड़के की बुआ का, लड़के की बुआ का लड़की के साथ में क्या रिश्ता है, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर तो मुझे ये एक ही लड़की दिख रही है, तो अगर इनके साथ में देखा जाए तो ये क्या रिश्ते में दिख रही है, लड़के की बुआ, लड़के की बुआ, ठीक है, इनके, इनका रिश्ता बताना है, लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है। देखो इन दोनों के बीच में जब हम देखते हैं रिश्ता क्या है, पूछा है बस, ऐसा नहीं कि इनके नज़र से देखना है ये कौन है, ऐसा नहीं पूछा है, सिर्फ इनके बीच का रिश्ता पूछा है। और ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, माँ दिख रहा है, ये अगर देखा जाए तो माँ तो हो नहीं सकती, ठीक है, कुछ सवाल ऑप्शन से भी देखना पड़ता है, बुआ तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या है, इसके लिए पति की, ये बहन है, पति की बहन है, तो जो पति की बहन होती है तो उसके वाइफ के लिए भी वो क्या होती है, सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉ होती है, तो इंग्लिश में अच्छे समझ में आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में आपको बहन दिख रहा है, तो बहुत लोग हो सकता है कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इंग्लिश में अगर हम देखते तो बहुत सिंपल तरीके से दिया रहता है, सिस्टर इन लॉ, है ना, अगर मेरी शादी होती है तो मेरे बहन के लिए जो है, मेरी वाइफ जो है, मेरे वाइफ की नज़र से मैं देखूँगा तो मेरी जो बहन होंगी वो उसके लिए क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, सिंपल भाषा में, आप अपने आप को रखने को रख के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बहन, अगर ऑप्शन में बहन है तो बहन ही इसका हम आंसर मानेंगे, और दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए अब आते हैं 69 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है, गोपाल की माता, सॉरी 69, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, अब सुनील एक लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये लड़की को जो है हम बाद में समझेंगे, इसके बारे में क्या जो भी है डायग्राम में इसका बाद में आएगा, इसका कैरेक्टर जो है बाद में लेके आएंगे, इसको बाद में लेके आएंगे, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, उसकी माँ का भाई, देखो इशारा करते हुए कह रहा है कौन, सुनील, सुनील ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। अब इसके तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इसकी माँ जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी पहले ही दे दिया, कई बार जो है लास्ट में आते हैं लेकिन इस बार पहले ही दे दिया, लड़की की जो माँ है, ठीक है, उसका जो भाई है, लड़की की माँ का जो भाई है, ये अब इसके बारे में बात हो रही है, लड़की की जो माँ का भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है बोला है उसने, यानी कि सुनील की जो माँ है, ठीक है, उनका इकलौता क्या है, बेटा है, ऐसा बोला है सुनील,
देखिए क्या बोला है, उसकी माँ का भाई, मेरी माँ के जब उसने बोला है मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, यानी कि इनका बेटा है कौन, ये इंसान। तो यहाँ से जो है अच्छे समझ में आ रहा है, डायग्राम बन गई है। ये हो गया सुनील, सुनील की माँ और उनके पिता, उनका इकलौता बेटा कौन है, ये है। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं, इसको उठा के मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये हो गया ठीक है, डायरेक्टली इनका बेटा ये, ठीक है। अब ये हो गए पूरे अच्छे से, इनका रिश्ता जुड़ गया है। अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। इकलौता बेटा है और भाई की केवल एक ही बहन है, और भाई की केवल एक ही बहन है बोला है। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ समझ में आ रही है कि ये है पिताजी ठीक है, और ये इनका बेटा। यहाँ पर देखने में क्या मिल रहा है कि ये इनकी बहन होंगी, ये भी बहन है ये भी बहन है, तो दो बहन तो हो नहीं सकती, एक ही बहन हो सकती है, उसने दिया है। तो इसका मतलब जो है ये जो माँ है ये दोनों की माँ होंगी, फिर ये माँ जो है सुनील की है और ये माँ जो है लड़की की है, तो दोनों तो अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसका मतलब जो है इन दोनों, ये लड़की हो गई ठीक है, ये जो औरत है ये लड़की की भी माँ है और सुनील की भी माँ है ठीक है। ये डायग्राम में अब अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं सवाल पे क्या बोला है कि लड़की की जो माँ है सुनील से क्या रिश्ता रखती है, लड़की की जो माँ है सुनील से क्या रिश्ता रखेंगी, सुनील की भी तो माँ हो गई ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं 87 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है। जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, देखो चित्रा से वो कह रहा है, ये हो गई चित्रा, चित्रा से क्या कह रहा है कि तुम्हारी पुत्री, ये हो गई पुत्री के पिता, पुत्री के पिता, पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र है, मेरे भाई के पुत्र है बोला है। ये भाई के पुत्र है, किसके भाई के, जोशी के, ये हो गए जोशी के भाई, जोशी के भाई के ये क्या है, पुत्र है। तो ये तो ऊपर आएंगे ना इनके भाई, क्योंकि ये इनके क्या है, पिताजी है, इनके पिता है ठीक है, इसके इनके भाई, इनके भाई जोशी के भाई। तो ये हो गए इस तरीके से डायग्राम तैयार। तो जोशी के जो भाई है ठीक है, वो किसके पिता है, ये चित्रा की, चित्रा की जो पुत्री है उसके पिता के ये जो है पिता है। तो यहाँ पर इसको अभी जो है मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हो गए रिश्ते में ठीक है, ये तो मतलब कि इनके वंश हो गया पूरा, इनका बेटा हो गया ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे समझने के लिए, ये हो गया इनका बेटा और ये हो गई इसकी वाइफ और ये होगी उसकी लड़की। सवाल में क्या बोला है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, चित्रा की पुत्री का बोला है, इनका रिश्ता बोला है इनके साथ में। देखो ये हो गए इनके पिता और ये हो गए पिता के पिता, तो जो पिता के पिता होते हैं वो क्या होते हैं, दादा होते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, ये दादा हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर में दिया है क्या, 87 नंबर दादा ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब आते हैं 90 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है कि अनीता का माँ का भाई, जो अनीता है उसकी जो माँ है उनका जो भाई है, इतना दिया है। उसके बाद में क्या बोला है, भाई बिना के पिता का बेटा है, यहाँ पर साइड में लिखते हैं। अभी क्या बोला है कि बिना के पिता, बिना के पिता, बिना के, सॉरी सॉरी सॉरी, बिना के दादा, नहीं 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 सॉरी, बिना के पिता का बेटा है, बिना के पिता का बेटा है कौन, ये वाला इंसान ठीक है, इनके बारे में जो है दिया है। इस तरीके से ये जुड़ गया। अब यहाँ पर और क्या बोला है देखते हैं, बिना के दादा के दो बेटे हैं, दो बेटा है उनको, इनको जो है बिना, ये देखिए बिना के दादा हो गए
पिता के पिता दादा हो जाएंगे। इनके जो है दो बेटे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि पहले तो ये होंगे, दूसरा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब कि यही डायग्राम रहेंगी। और आगे चलते क्या बोला है कि दो बेटा और एक बेटी है, एक बेटी है बोला है, तो सीधी सी बात है ये होगी इसकी बहन, तो ये होगी बेटी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गए बिना के दादा, ठीक है, बिना के दादा। और उनको जो है दो बेटे हैं, ये हो गए पिता किसके, बिना के। इस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम में अभी, कि ये हो गए दो बेटे और एक हो गई इनकी बेटी। और अब देखते सवाल में क्या पूछा है, अनीता की जो माँ है बिना से कैसे संबंधित है बोला है। अनीता की जो माँ है वो बिना से कैसे संबंधित है, तो आपको देखना है किसके नज़र से, बिना की नज़र से। और किसका, किसके बारे में पूछ रहा है, अनीता की जो माँ है, अनीता की जो माँ है ये कौन है, ऐसा पूछा है। देखा मैंने आपको बोला था ना कि कौन से सवाल पूछना, अनीता की माँ कौन है, किसके नज़र से देखना है, बिना के नज़र से। तो ये क्या होगी, भाई की बहन, भाई की बहन होगी। तो जो भाई की बहन होती है वो क्या होती है, बुआ होती है ना, सॉरी पिताजी की बहन जो होती है वो बुआ होती है, यहाँ पर हम ये बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या रहेगा, बुआ रहेगा। अब आते हैं 96 नंबर के सवाल पर, बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है, शुरुआत में पूछ लिया है, बिजॉय पूछा है ये कैसे संबंधित है, ये पूछा है शर्मिला से। अब देखते हैं यदि वह उन्हें अपनी माँ के माँ की इकलौती, बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है पूछा है। तो शर्मिला जो है बोल रही है यदि वह उन्हें अपनी, इसको जो है बोल रही है वह अपनी माँ के माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में बेटी के रूप में परिचय कराता है, कराता है यानी कि इसका मतलब बिजॉय परिचय करा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वह उन्हें परिचय किस तरीके से करा रहा है, अपनी माँ के, यानी कि ये हो गया बिजॉय, उसकी जो माँ है उनकी माँ के माँ की इकलौती पोती, इकलौती पोती बोला है तो सीधी सी बात है इनकी ही जो मतलब के वंश की जो रहेंगी, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं शायद, ठीक है, इनकी पोती, पोती की बेटी के रूप में, पोती की बेटी के रूप में जो है परिचय करा रहा है, पोती की जो बेटी है, यहाँ पर थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ये हो गई पोती और ये हो गई उसकी बेटी जिसका नाम है, बेटी के रूप में परिचय कराता है किसका, ये हो गई शर्मिला, शर्मिला का जो है वो परिचय करा रहा है ना। तो ये किसकी पोती है, बिजॉय की जो माँ है उसकी माँ की जो है पोती है। तो माँ को जो है एक लड़का हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं, है ना, लड़का होगा, और या फिर लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बोल सकते कि लड़के की ही लड़की है या लड़की की भी लड़की हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि ये दोनों जो है इसकी लड़की हो सकती है या फिर ये इसकी लड़की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आखिरकार ये इसके लिए तो बहन ही है ना, तो ये इसकी बहन ही है मान के चलते। अभी आगे में सवाल देखते हैं कि पूछा क्या है था, बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है, बिजॉय पूछा था ये कौन है। अब ये देखो ये तो होगी इसकी बहन, कैसे भी हो ये चाहे इसके लड़के का लड़की की लड़के की लड़की हो या इसकी लड़की की लड़की हो, आखिरकार ये तो बहन भाई हो गए, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये कन्फ्यूज करेगा नहीं, तो मान के चलते हैं कि ये दोनों बहन भाई है, ठीक है, और ये इसकी बेटी है शर्मिला। तो आपको बिजॉय कौन है ये पूछा था, तो बिजॉय क्या दिख रहा है, जो माँ का भाई होता है वो क्या होता है, मामा होता है रिश्ते में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मामा। तो इसमें आंसर देखते हैं कि दिया क्या है, वैसे मामा अगर है तो मामा ही रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही है। तो अब चलते हैं 108 नंबर के सवाल पर।
चलिए 108 नंबर के सवाल पर क्या दिया है, रियान विहान की जो माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, इस तरीके से दिया है। रिहान के बारे में बात हो रही है, रिहान के बारे में क्या बात हो रही है कि जो विहान की जो माँ है, ये हो गया विहान और ये होगी उनकी माँ की जो बहन है, जो माँ की जो बहन है, तो ये मान लेते हैं बहन होगी माँ की, बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा, एक ही बेटा है उनको, ठीक है, ये हो गया उनका बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है, कौन है, रियान, तो ये रियान यहाँ पर आ गया, हो गया। इस तरीके से आपको जो है शब्दों को जो है बोलते हुए ही डायग्राम बनाते जाना है। यहाँ पर ये डायग्राम बन गई है, अब सवाल देखते कि क्या बोला है, रियान जो है किस रूप में विहान से संबंध रखता है। रियान, अब देखो ये हो गए हैं बहन भाई, तो सीधी सी बात है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों भी जो है भाई होंगे, लेकिन अब कौन से भाई होंगे, यहाँ पर देखते ऑप्शन में भाई है क्या, भतीजा भांजा तो नहीं है, ठीक है, चाचा ये वगैरह भी नहीं होंगे, पुत्र भी नहीं रहेगा, चचेरा ममेरा मौसेरा भाई, यानी कि आखिरकार ये कज़न है, तो कज़न के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई बोलेंगे ना, ठीक है, चाचे चाचा ममेरा जो भी है, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन डी इसमें। चलिए अब आते हैं 113 नंबर के सवाल पर, यहाँ पर नाम के जगह ए बी सी डी जैसे इस्तेमाल किया है, तो बोला क्या है कि ए की जो माँ है वो बी की बहन है बोला है, जो इसकी माँ है ए की, ठीक है, वो क्या है बी के लिए ये बहन है। अब उसके बाद में क्या बोला है कि और सी की पुत्री है, और ये जो है ये क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो है सी की क्या है, पुत्री है। उसके बाद में क्या बोला है कि जो डी है बी का बेटा है, जो डी है बी का बेटा है, देखो डी बेटा है, किसका बेटा है, बी का, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है, डी बेटा है। उसके बाद में बोला है कि ई का भाई है, और ई का भाई है, देखो बात शुरुआत में किससे हुई थी, शुरू डी से, डी बेटा है बी का और भाई है ई का, तो ऐसा आपको जो है समझना है, ये हो गया भाई। उसके बाद में बोला है कि सी का ई से क्या संबंध है, देखो सी का रिश्ता पूछा है, ये कौन है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये हो गए इसके पिता, और ये पिता के पिता या माँ भी हो सकती है, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन मार्क क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इनके रिले ना तो लड़की है ना ही मतलब कि लड़का है, ऐसा कुछ भी मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कौन है, दादा है या दादी है, ऐसा नहीं पता चल रहा। तो जो पिता की माँ या पिता के पिताजी रहते हैं वो क्या होते हैं, दादा या दादी होते हैं, है ना, दादा या दादी हो सकती है ये, तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दिया है, इसके नज़र से तो क्या होगा, देखेंगे तो दादा या दादी ही दिखेंगे, तो देखते ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में बी दिख रहा है जो सही दिख रहा है, दादा या दादी हो सकता है। अब आते हैं 115 नंबर के सवाल पर, क्या बोला है, यदि एक्स जो है सॉरी 114 नंबर के सवाल पर, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है ये बहन है किसकी, वाई की। उसके बाद में बोला है कि एक्स जो है पत्नी है किसकी, जेड की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि वाई जो है एम की दूसरी बेटी है, वाई जो है एम की दूसरी बेटी है, इसको दो बेटियां हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ये भी बेटी है ये भी बेटी है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सीधी सी बात है दूसरी बेटी है तो पहली बेटी तो ये होगी, है ना, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ये इसकी पहली बेटी है, इसकी दूसरी बेटी, दो बेटियाँ, इसका मतलब ये दोनों बेटियाँ हैं, और ये इसकी पत्नी होगी। अब यहाँ पर सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि वाई जो है जेड का है, वाई है, ठीक है, ये क्या है,
तो ये अगर देखते हैं जेठ की नज़र से तो ये क्या दिख रहा है, पत्नी की बहन। पत्नी की बहन होती है सिस्टर इन लॉ, अगर कायदे से देखा जाए तो बहन होती है, लेकिन इसको हम हिंदी में साली बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिया है क्या ऑप्शन में, तो यहाँ पर बहन भी दिया है और ननद साली भी दिया है। तो एक तो ये दोनों देखा जाए तो इनके बीच में साली का, ये तो साली ही दिखेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर बी होना चाहिए, ननद जो है इसमें नहीं होना चाहिए था, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी साली। ठीक है, अब आते हैं 117 नंबर के सवाल पर। यदि वाई की बहन एक्स है, वाई की जो बहन है वो है एक्स, और वाई की जो माँ है वो जेड है, वाई की माँ जेड है और जेड का पिता डब्लू है, जेड का पिता डब्लू है, इस तरीके से दिया है। जेड का पति वी है, जेड का जो पति है वो वी है, ठीक है, और क्या बोला है, तो वी का भाई वाई का होगा, जो वी का जो भाई है वो वाई का क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, इनके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ ये दोनों, और यहाँ पर इन दोनों के ये क्या हो गए हैं, ये बेटा या बेटी है, ठीक है, इनके नज़र से देखना है ये कौन हो गया। तो ये भाई के जो है, पिता के भाई है, पिता के भाई क्या होता है, चाचा होता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि चाचा दिया है क्या, एक सौ पंद्रह नंबर का सवाल था ना, बहन दिया है नहीं हो सकता, माँ नहीं हो सकता, चाची या मामी हो सकता है। तो क्या बोला था कि डब्लू जेड के पिता और जेड की, सवाल 117 पे था, सॉरी वाई का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है मामा पिता भाई ससुर, ठीक है, सोचते हैं कि यहाँ पर बोला क्या था, वाई जो है वाई की बहन एक्स है, वाई की जो माँ है वो जेड है, जेड का पिता डब्लू है और जेड का पति वी है, वी का जो भाई है वाई के लिए क्या होगा। तो अगर इनके नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर मामा ऑप्शन में दिख रहा है, तो मामा वी का भाई बोला है, जेड का पति वी है, ये पति है, ये दोनों भाई हो गए, तो ये यहाँ पर चाचा ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आंसर में मामा दिख रहा है तो मामा भी मान सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में चाचा होना चाहिए था वैसे तो। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो आंसर में मामा शायद इसीलिए दिया है क्योंकि रिश्ते में ये अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो अंकल होते हैं और अंकल को चाचा भी कहते हैं, मामा भी कहते हैं, तो पूरा जो है यहाँ पर इसी वजह से जो है आपको उल्टे से उल्टे जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मामा ये हो सकता है, इसीलिए आपको मामा ही चूज़ करना है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अब आते हैं 127 नंबर के सवाल पर, बोला है कि एम जो है एच की परपोती है, एम जो है एच की परपोती है, एम, अब परपोती का मतलब क्या होता है, पहले तो पिता आएगा फिर उसके बाद में दादा आएगा, उसके बाद में इनका जो रहेगा परदादा, इसको बोलेंगे परदादा, ठीक है, तो ये जो है इनका नाम दिया है, एम जो है एच की परपोती है, तो ये है एच, ये जो परदादा है ये है एच, ठीक है, और इसकी ये परपोती एम, और क्या बोला है कि एच जो है एन की माँ है। देखो एच जो है एन की माँ है ऐसा बोला है, ये होगी इसकी माँ, उसके बाद में इसके नीचे आगे समझ लीजिए, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर जो है इनकी जो है माँ होगी,
उसके बाद में क्या बोला है कि एन जो है एम की माँ जी की माँ है, तो यानी कि इनकी जो माँ है उनकी माँ है कौन, एन। अब यहाँ पर बीच में जो है इन सबको हटा देते हैं और इनको ला देते हैं, यहाँ पर आ गया एन, ठीक है, इसके नीचे का वंश। फिर उसके बाद में इनके नीचे में ये आ गई एम की माँ, तो सही डायग्राम ये बनेंगी यहाँ पर, है ना, एक के ऊपर एक आ रहे बराबर, इसके लिए भी ये परपोती ही रहेगी। और वैसे भी आपको क्लियरली तो दिया नहीं है कि किसके साइड से है ये, तो हम यही मानेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन में जैसे दिया है वैसा देखेंगे, सवाल में बोला था एन जो है एम की रिश्ते में क्या है, एन जो है एम की रिश्ते में क्या होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो नानी हो जाएंगी माँ के साइड से, है ना, तो ये नानी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में नानी दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर बी रहेगा। अब आते हैं 129 नंबर के सवाल पर, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। के जो है ये भाई है किसका, आर का। उसके बाद में पी जो है के की बहन है, पी जो है ये बहन है, ये हो गई बहन के की, और के का के जो है आर का भाई है, ये हो गया भाई, ठीक है, के जो है भाई है। उसके बाद में टी जो है एस का भाई है, टी जो है यहाँ पर साइड में लिख दे, टी जो है एस का भाई है, टी जो है एस का भाई है। उसके बाद में एस जो है आर की पुत्री है, ये जो एस है ये आर की पुत्री है, यानी कि ये दोनों इनके नीचे आ जाएंगे, आर के नीचे, ठीक है, एस जो है आर की पुत्री है और ये जो टी है ये भाई है एस का, ऐसा आपको दिया था, तो ये हो गई डायग्राम। अब यहाँ पर और कुछ दिया है क्या देखते हैं सवाल में। इतना ही दिया था, फिर उसके बाद में बोला है कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का पूछा है, तो ये तो हो गया है इनका पिता इन दोनों का, है ना, और ये हो गया इनकी बहन, पिता की जो बहन होती है वो क्या होती है, हमेशा बुआ होती है, तो ये हो जाएंगी बुआ। देखते हैं आंसर में दिया है क्या, मौसी या बुआ, बराबर है, ठीक है। 130 नंबर के सवाल पर आते हैं, क्या बोला है कि ए की जो माँ है, ए की माँ एम की बहन है, ए की जो माँ है वो एम की बहन है, ऐसा दिया है, ठीक है, ये होगी इसकी बहन। इसके बाद में बोला है कि एन की बेटी है और एन की बेटी है, देखो यहाँ पर आपको जो है इन ए की जो माँ की बात हो रही है, यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है अभी तक के, ठीक है, ए की जो माँ है ये एम की बहन है और एन की जो है बेटी है, इस तरीके से। उसके बाद में आर जो है एम की बेटी है, आर जो है एम की बेटी है बोला है, इस तरीके से। उसके बाद में बोला है कि और एफ की बहन है, आर जो है एम की बेटी है और एफ की बहन है। उसके बाद में बोला है एफ का एन से क्या संबंध है, एफ का एन से क्या संबंध है, देखो यहाँ पर क्या बोला था एन के बारे में आपको कि एन की बेटी है, सिर्फ इतना बोला था, ये कौन है दाद, ये देखने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके बारे में भी हमको नहीं पता, लेकिन एफ का एन से क्या संबंध है, देखो यहाँ पर एन के नज़र से आपको देखना है, एफ का संबंध पूछा है, एफ कौन है, तो यहाँ पर अब इनके मेल फीमेल पे नहीं जाते हैं, ये कौन है क्या है, हम सीधा सा इन पे जाते हैं, देखने में यहाँ पर इनके नज़र से अगर देखेंगे सबसे ऊपर में है पिता या माता के ऊपर में, तो ये जो है इनके नज़र से कौन होगा, पोता ही होगा, पो या पोती होंगी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, कौन सा सवाल था 130 नंबर का, पोता या पोती या नाती, ठीक है, तो इसमें आंसर जो है ऑप्शन सी लग रहा है, पोती हो सकती है या नाती हो सकती है। देखो पिता के साइड से अगर देखा जाए तो पोती होंगी और माँ के साइड से अगर है तो नाती होंगी, इसीलिए जो है यहाँ पर दोनों दिया है। अब 135 नंबर के सवाल पर आते हैं, ये पहली वाला सवाल जैसा लग रहा है, एक घर में 6 लोग हैं, उसके बाद में एन जो है क्यू की बहन है,
एन जो है ये बहन है, ये बहन किसकी है, क्यू की। उसके बाद में एम जो है पी के पति का भाई है, एम के बारे में बात हो रही है अभी। यहाँ पर एक कंडीशन ये दिया था, एक कंडीशन ये दिया है, एम जो है ये पी के पति का भाई है, पी का जो पति है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया पति पी के लिए, और ये हो गया भाई। उसके बाद में बोला है कि ओ जो है एल का पिता है, ओ जो है ये एल का पिता है, यहाँ पर ओ ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से कंडीशन दिया है। ओ जो है एल का पिता है और क्यू का दादा है, और ये क्यू का दादा है ऐसा बोला है, इस तरीके से आएगा एक के ऊपर एक। अब यहाँ पर और क्या बोला है देखते हैं। इस समूह में दो पिता एक माता और तीन भाई है, पी का पति कौन है ऐसा पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बोली है पहले तो कि दो पति है, सॉरी दो पिता है, यहाँ पर दो पिता होने चाहिए, और कंडीशन क्या दिया है, एक माँ रहेंगी और तीन भाई बनने चाहिए। अब इनको हमको तीनों को जोड़ना है, इन तीनों पहेली को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे कि तीनों मतलब के आ जाए बराबर। तो देखो यहाँ पर देखने में क्या दिख रहा है कि क्यू तो सबसे नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है और तीन भाई होने चाहिए, तो एक तो ये लड़का होगा, है ना, ये लड़का है ना वैसे भी, तो ये एक हो गया, एक भाई ये हो सकता है। उसके बाद में ये एक है ना, तो ये भी मेल है, तो ये भी जो है भाई होगा। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पर एक माँ है ऐसा बोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर क्यू एल का लड़का क्यू है, और क्यू की बहन कौन है, एन, ये तो होगी लड़की, ठीक है, ये होगी लड़की, तो ये भी भाई बहन हो गए, है ना, तो एक भाई ये हो गया, और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, ये हो गया यहाँ पर। अब इनको जो है कहाँ पर रख सकते, सीधी सी बात है नीचे तो नहीं रख सकते, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है, और एक ही इंसान बचा है, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वंश नीचे जाते हुए, यानी कि इसकी शादी हुई है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन होगा, एल ही होगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एम, और यहाँ पर आ जाएंगी पी। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर पी का पति एल अगर है तो ये हो गए दोनों भाई, ये हो गए दो भाई, और ये हो गया एक भाई, यानी कि यहाँ पर कितने भाई हो गए, एक दो तीन, है ना, इसके नज़र से भी तो ये भाई होगा ना क्यों, तो यहाँ पर जो है तीन भाई हो गए बराबर, चलो पहला सही हो गया। अब देखते हैं एक माँ है, तो यानी कि अगर पी जो है औरत है तो ये जो है इन दोनों की क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, तो यानी कि एक माँ है बराबर हो गया, और दो पिता है, तो दो पिता कैसे होंगे, एक तो ओ पिता हो गया और एक एल पिता हो जाएगा, तो ये तीनों इसमें जो है बराबर बैठता, तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। अब आते हैं सवाल पर, तो क्या बोला था सवाल में, 135 नंबर का था कि पी का पति कौन है, तो पी का पति सीधा सा सिंपल सा है, एल होगा, इसका आंसर एल है। 137 नंबर के सवाल पर आते हैं, सी जो है ई और एफ की माँ है, सी जो है ये माँ है, किसकी माँ है, ई और एफ की। इसके बाद में एफ का विवाह जेठ से हुआ है, उसके बाद में क्या बोला है कि सी का जेठ से क्या संबंध है। अब देखो ये हो गई है सी, जिसकी बेटी है एफ, बेटी या बेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोला क्या था, सी जो है ई और एफ की माँ है, यहाँ पर एफ़ का विवाह जेड से हुआ है, सिर्फ इतना बोला है। ये मेल है फीमेल है कहीं से पता नहीं चलता, सिर्फ इतना पता चलता है कि सी को जो है दो बेटे या बेटी है, ठीक है। यहाँ पर ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, इसका विवाह जेड से हुआ है, और ये जेड जो है जेड की नज़र से आपको ये जेड से क्या संबंध है ये पूछा है, जेठ से क्या संबंध है, किसका, सी का, सी के, सी का रिश्ता पूछा है, मतलब कि आपको किसके नज़र से देखना है, सी का
सी का जेड से क्या संबंध है, बस इसका जो है रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हो गया इसका दामाद या बहू हो जाएंगी अगर सी के नज़र से देखते हैं तो। तो यहाँ पर दामाद भी दिख रहा है, बहू भी दिख रही है, और इसके नज़र से अगर देखा जाए तो ये होगी इसके लिए सास। तो यहाँ पर जो है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो परफेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, सास दिख रहा है ना। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको ये कुछ भी पता नहीं है, ये लड़का है लड़की है, लेकिन इसके नज़र से अगर देखा जाए जेड से क्या संबंध है पूछा है, किसका, सी का, यानी कि सी कौन है ये पूछा था, सी कौन है, तो सी जो है जेड के लिए क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। तो इसका आंसर रहेगा सास। अब आते हैं 147 नंबर के सवाल पर। बी और सी क्रमश पति और पत्नी है, बी और सी जो है ये पति और पत्नी है क्रमश, ये हो गया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ, पति पत्नी है। एम के और सी का पिता है, एम जो है ये के और सी का जो है पिता है। उसके बाद में बी जो है एम का क्या है, अच्छा यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि के इधर आ गया और एम ऊपर आ गया, ठीक है, के जो है सी और के का पिता है, ठीक है। और आपको पूछा क्या था कि बी जो है एम का होगा, ठीक है, बी बी एम का क्या है, तो बी के बारे में पूछा है, ये क्या है बी, बी क्या है पूछा है, बी कौन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या बोला है, किसके बारे में पूछा है सवाल, तो बी के बारे में पूछा है ना, बी क्या है कौन है, तो किसका पूछा है, जब आपको किसका पूछा है तो उसके नज़र से आपको देखना है। तो इसके नज़र से अगर हम देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है, इसकी बेटी का पति, बेटी का पति जो होगा वो क्या होगा, दामाद होगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी दामाद। इसके बाद में 150 नंबर के सवाल पर आते हैं। यू और बी क्रमश जी और एम की पुत्रिया है, यू जो है, यू और बी क्रमश बोला है, यानी कि यू जो है जी की और एम बी की, बी जो है एम की क्या होगी, पुत्रिया होगी। और क्या बोला है, एल जो है जी और एम की माँ है, जी और एम की माँ जो है, इन दोनों की माँ जो है एल है। उसके बाद में बोला है एस जो है यू की बहन है, एस जो है यू की बहन है। उसके बाद में बोला है कि एल की केवल दो पुत्रियां है, एल की दो पुत्रियां है, यानी कि ये दोनों उन एल की लड़कियां होगी। उसके बाद में बोला है कि एम जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, एम जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, एम एम कौन है पूछा है, ठीक है, तो एम कौन है एस की नज़र से देखा जाए तो ये होगी इसके लिए मौसी, है ना, मौसी हो जाएंगी, बहन की बहन जो है या माँ की जो बहन होती है उसको मौसी बोलते हैं। तो यहाँ पर 150 नंबर का सवाल था, मामी या मौसी दिया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मौसी यानी कि सी, ठीक है, ये बराबर है। एक लास्ट सवाल लेते हैं 52 नंबर का, 152 नंबर का। बी जो है सी का भाई है, बी की बात हो रही है, ये सी का भाई है। डी जो है बी की बहन है, डी जो है ये बहन है बी की। उसके बाद में एफ जो है ई की बहन है, एफ जो है ई की बहन है जो सी का पुत्र है। देखो एफ जो है, एफ की बात हो रही है, एफ जो है ई की बहन है और सी का पुत्र है बोला है, तो सी का पुत्र हो गया एफ, जो कि किसका, जिसकी बहन है ई, इस तरीके से बात एफ की हो रही थी। तो एफ जो है ई का, सॉरी एफ जो है ई की बहन है और सी का पुत्र है, सी का पुत्र है बोला है ये, ठीक है। कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एफ जो है ई की बहन है, एफ बहन है, और जो कि ई, यानी कि ई के बारे में बात हो रही थी, ई जो है ये पुत्र है सी का, इस तरीके से होगा, ये लड़की है ना, ये फीमेल होगी,
इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में क्या बोला है कि के जो है सी का पति है, के जो है सी का पति है, ये हो गया के सी का पति। उसके बाद में डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर जो है सी का पति के हो गया, यानी कि ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला था आपको शुरुआत में डी के बारे में, डी जो है बी की बहन है, ये जो है ये भी फीमेल है, ये दोनों फीमेल है, यानी कि ये देखा जाए एक लाइन में दिख रहा है ये इसका पति हो गया और यहाँ पर जो है ये भाई बहन हो गए सारे के सारे। तो यहाँ पर इनके नज़र से देखा जाए तो आपको पूछा किसके नज़र से था, डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी डी के बारे में पूछा था कि डी कौन है। तो डी को हम क्या देखते हैं यहाँ पर, माँ की जो बहन है, माँ की बहन होगी तो क्या हो जाएंगी ये इसके लिए मौसी हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मौसी रहेगा ऑप्शन ए।